आरती कथूरी और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि करनाल के हरियाणा में पहुंची हैं ऑल इंडिया हरियाणा महिला की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीता डिसूजा जी। और देख सकते हैं करनाल में सभी जो भी वर्कर्स हैं, सभी जो मैम हैं, साथ ही साथ जो मैम है कमल मांझी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा महिला कांग्रेस, स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। किस तरह से नीता डिसूजा मैम का चंडीगढ़ में दरअसल मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, उसी के चलते यहाँ पर पहुंचे हैं करनाल में, हरियाणा के करनाल में झिलमिल ढाबा में यहाँ पर पहुंचे हैं। और सभी जो हरियाणा महिला कांग्रेस की जितने भी वर्कर्स हैं और जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कमल मान मैम, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। देख सकते हैं किस तरह से स्वागत किया जा रहा है, बहुत ही हर्षोल्लास से सभी के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है, हार मालाएं पहनाकर। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं करनाल के, हरियाणा के करनाल के झिलमिल ढाबे से, जहां पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा जी यहां पर पहुंची हुई हैं और सभी का हर्षोल्लास आप लोग देख सकते हैं। इनका स्वागत करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं जितने भी वर्कर्स हैं महिला कांग्रेस के हरियाणा के, यहाँ पर सभी पहुंचे हैं। उनका स्वागत करते हुए आप लोगों को तस्वीरों में दिख रहे हैं किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। कमल मान मैम जो कि हरियाणा की, जी हाँ, जो कि हरियाणा की महिला कांग्रेस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी यहाँ पर दिख रही हैं किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। काफ़ी लोग खुश हैं, बुके दिए जा रहे हैं, हार मालाएं पहनाई जा रही हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर कांग्रेस से पहुँचे हुए हैं, काफ़ी वर्कर्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सभी में बहुत खुशी देखी जा रही है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी हाँ, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उनका आना हुआ हरियाणा के करनाल में, वो भी जी हाँ हरियाणा तो आए लेकिन करनाल में आकर रुकना हुआ कुछ देर के लिए ही सही, इसके बाद ये लोग चंडीगढ़ जाएंगे। मैम चंडीगढ़ में मीटिंग होने वाली है, उसी के लिए यहाँ पर मैम यहाँ पर कुछ ही देर के लिए रुकी हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैम पहुँचे हुए हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देख सकते हैं किस तरह से सभी लोग काफ़ी उनको हार मालाएं पहनाते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी खुशी देखी जा रही है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के झिलमिल ढाबे से, जहाँ तो देख रहे हैं लाइव तस्वीरें इस वक्त आप हरियाणा के करनाल से, जहां पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से यहां पर पहुंची राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा जी मैम यहां पर पहुंची हुई हैं। तो आइए उनसे ही जानना चाहेंगे कि कैसा उनको लगा, तो सब मैम क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पर पहुंची हैं करनाल में और काफ़ी जो महिला कांग्रेस की वर्कर्स यहाँ पर पहुंची, आपको बहुत स्वागत हुआ हर्षोल्लास से, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे महिला कांग्रेस की ताकत है, ओके, महिला कांग्रेस के फैमिली हैं, महिला कांग्रेस के वर्कर्स नहीं है, फैमिली मेंबर्स हैं सारे महिला कांग्रेस के। और अब हम लोग पंचकुला की ओर जा रहे हैं, वहाँ के वहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग है। स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग के रास्ते जाते समय हमारी ताकत, हमारे परिवार के लोग मिलना चाह रहे थे, तो बस रुक के उनसे थोड़ा सा मुलाकात हो रहा है। इस मीटिंग का क्या एजेंडा रहने वाला है? स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग एक मीटिंग होता है जहाँ पे सारे स्टेट के कमेटी के जितने सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष वगैरह बैठते हैं, चर्चाएँ करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये मेरा पहला दौरा है यहाँ हरियाणा में, तो मैं अपने परिवार की बहनों से अपनी ताकत को मिलने के लिए आ रही हूं। तो मैम किसानों की सिचुएशन पे क्या कहना चाहेंगे, और आज रेल रोको प्रोटेस्ट किया जा रहा है किसानों की तरफ से, तो आपका क्या कहना है इस पर? कहना क्या है, कहना यह है कि जो किसान भाई बहन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये जो सरकार है वो ये सरकार बिल्कुल पत्थर दिल के, तो मीन्स या किस उनके लिए वर्ड्स नहीं है सरकार के लिए, और वो जो भी किसान के साथ, किसान बहनें किसान भाइयों के साथ, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस हर कांग्रेस वर्कर लीडर्स और वर्कर खड़ा है। और जो मैम सिंघू बॉर्डर पर जो अभी एक व्यक्ति की हत्या की गई है, तो उसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, जो असली मामला है उसकी तहकीकात करनी चाहिए, और ये किस एंगल से क्या हो, बहुत सारे मीन्स क्या है सच्चाई, पहले सच्चाई को जानना होगा, पहले एक निष्पक्ष कमेटी बिठाना होगा और उसके बाद ही सच्चाई क्या है वो सामने आएगा। तो किसानों को मैम लगभग 10 से 11 महीने हो चुके हैं वो सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, जगह जगह हर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या सिचुएशन कुछ बदलेगी?
देखिए, ना सिर्फ सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं पर हर गांव में और हर ज़िले में किसान अपना विरोध जता रहे हैं। इस पूरे 11 महीने के दौरान किसान, ना सिर्फ किसान पर पूरा परिवार के लोगों ने साथ दिया। अगर आप बॉर्डर्स पे जाएं, जहां जहां पे लोग बैठते बढ़ चढ़ के, आप ये देखोगे कि उनके घर के महिलाएं भी साथ बैठे हुए हैं। तो ये जो आंदोलन है, कहीं ना कहीं अगर इतने देर 11 महीने से बैठे किसान और तो ये सरकार को समझना होगा कि सच्चाई क्या है। और अंबानीज और जो ये कुछ पूंजीपतियों की वो जो सेवा में लगी है सरकार, या उनको उनके लिए जो पूरे देश को कुर्बान करने के लिए तैयार है ये सरकार, उनको अपना रवैया बदलना होगा। तो नीता डिसूजा मैम पहुंची राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, सबसे पहले हरियाणा के करनाल में आज पहले पहुंची हैं। तो हमारे साथ यहां पर कमल मांझी भी मौजूद हैं, जो हरियाणा महिला कांग्रेस की सीनियर प्रेसिडेंट है और साथ ही साथ AICC की मेंबर भी हैं। तो उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। मैम यहाँ पर पहुंची है तो मैम क्या कहना चाहेंगे? नीता डिसूजा मैम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहला उनका दौरा हरियाणा के करनाल में यहाँ पर पहुंचे, क्या किस तरह से क्या कहना? सबसे पहले सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का इस जगह से, इस मंच से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने, हमने इतनी बढ़िया महिला, इतनी अच्छी महिला, यू नो शी सो डाउन टू अर्थ, शी सो नाइस टू एवरीबडी, और उन्होंने इतनी इतनी दबंग ये महिला हैं, इतने काम करने वाली हैं, और उनको हमको हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के भेजा है। हमें उनका बहुत बहुत, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और मुझे मालूम है, जब भी क्योंकि मैंने इनको हमेशा, जब भी मैं AICC में जाती थी, महिला कांग्रेस के ऑफिस में जाती थी, मैंने हमेशा इनको काम करते हुए देखा, मैंने कभी इनको खाली नहीं देखा। हर इंसान के साथ इतने प्यार से मिली तो हमारा मन इतना खुश हुआ जब हमें पता लगा कि ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रही हैं। हमको तो हम फूले नहीं समाए। तो ये शीज, मुझे पूरा विश्वास है कि महिला कांग्रेस को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। तो ये थी साथ में वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा महिला कांग्रेस के, साथ ही साथ हरियाणा महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुधा मैम मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगी। तो मैम क्या कहना चाहेंगी? पंचकुला के लिए निकला जा रहा है मीटिंग के लिए। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नीता जी आई हैं और इनका पहला दौरा है यहाँ पे हरियाणा में। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इतनी बढ़िया राष्ट्रीय अध्यक्ष दी है, जो सबके साथ बहुत मेल मिलाप से रहती हैं, बड़े प्यार से रहती हैं। और अब हम आगे एग्जीक्यूटिव मीटिंग के लिए रवाना हो रहे हैं, पहले ही लेट हो गए हैं, तो इसलिए आज का एजेंडा हमारा यही रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर निकलते हुए दिख रहे हैं, कुछ ही देर के लिए यहाँ पर पहुंचे थे नीता डिसूजा मैम, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका पहला दौरा था, जो कि पंचकुला में मीटिंग के लिए जाते हुए दिख रहे हैं। उसके लिए थोड़ी देर के लिए हरियाणा के करनाल में यहाँ पर पहुंचते हैं। और जो हरियाणा महिला कांग्रेस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट्स हैं यहाँ पर, सब पहुंचे, सभी वर्कर्स यहाँ पर पहुंचे, उनका स्वागत करते हुए देखा गया किस तरह से उनका स्वागत किया हर्षोल्लास से। और काफ़ी सब लोग काफ़ी खुश हैं कि जो उनको अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, सबके चेहरों पर खुशी दिखी। और अब जो मीटिंग की जाएगी उसके लिए यहां से निकला जा रहा है पंचकुला के लिए। देख सकते हैं किस तरह से सभी यहां से रवाना होते हुए दिख रहे हैं आप लोगों को यहां पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देख सकते हैं रवाना होते हुए दिख रहे हैं करनाल से, हरियाणा के करनाल में पहुंचे थे नीता डिसूजा मैम, जाते हुए दिख रहे हैं पंचकुला के लिए। स्टेट एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग रहने वाली है उसके लिए अब ये पंचकुला में जाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला दौरा, जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा रहा इनका। और उसके बाद यहाँ हरियाणा के करनाल पहुँचती है, थोड़ी ही देर के लिए रुकते हैं और सब लोग काफ़ी खुश होते हैं जो सभी मेंबर्स होते हैं। हमारे साथ यहाँ पर नृपेंद्र मान जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि एक एडवोकेट भी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर। तो सर आपका क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा जी का पहला दौरा था और यहाँ पर हरियाणा के करनाल में कुछ ही देर के लिए रुकी, तो क्या बहुत ही खुश थे आप लोगों ने, बहुत अच्छे से स्वागत किया, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और हाईकमांड का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी कर्मठ, इतनी मेहनती, इतनी पुरानी, जो कि कांग्रेस की रीढ़, मैं बचपन से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ,
और मेरी जो माता जी हैं कमल मान जी, उनके साथ करीबन 2 दशक से मैं कांग्रेस के कार्यालय में जाता हूं। और नीटा जी को जब भी मैं महिला कांग्रेस के दफ्तर में गया, हमेशा मुझे हमेशा वहीं मिली, हमेशा कार्यकर्ती, हमेशा कोई ना कोई काम में लगी हुई मिली, हमेशा कांग्रेस के लिए कुछ ना कुछ नीतियों के ऊपर काम करती हुई मिली। इतनी मिलनसार, इतना अच्छा उनका स्वभाव है, सबको ले के साथ चलने वाली महिला हैं। तो सर अब मीटिंग के लिए निकला गया है पंचकुला में, स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग के लिए। हाँ, अभी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के लिए पंचकुला उनको वो गई हैं, साथ में कमल मान जी, सुधा भारद्वाज जी और हमारी जो स्टेट की प्रभारी हैं वो भी गई हैं। और हमें मौका मिला, हम बड़ा आज हमारा अच्छा वक्त था कि हमें उनको वेलकम करने का हमें मौका मिला और उनसे हमें अपने विचार आपस में शेयर किए और बड़ा अच्छा लगा। और मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि आने वाला जो वक्त है महिला कांग्रेस को, जो मैडम नीटा डिसूजा जी हैं, बहुत मजबूत बनाएंगी। और जो महिलाएं जो इतना संघर्ष कर रही हैं आज, जो महिला, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि पुराने वक्त से और आज जो महिला को इतनी शक्ति मिली है, हर जगह हमारी महिलाएँ, चाहे वो इंजीनियरिंग का फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे वो कोई स्पेस में जाने का फील्ड हो, चाहे टीचर्स हों, चाहे इतने अच्छे पदों पे आज महिलाएं, हमारी हरियाणा की खास करके हमारी महिलाएं इतनी उन्नति हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे आईपीएस की जॉब्स हों, हर जगह जो महिला इतनी अच्छी कर रही हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत हमारी इंदिरा गांधी जी ने और करी थी, जिन्होंने महिला को सशक्तिकरण एकदम उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर उन्हीं की विचारधारा पर हमारी सोनिया गांधी जी चली, उसके और अब हाँ बहुत ज्यादा खुश है। देख सकते हैं कि किस तरह से सभी यहाँ पर जो हरियाणा महिला कांग्रेस की जितने भी मेंबर्स हैं, यहाँ पे सभी वर्कर्स पहुंचे, जो कि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नीटा डिसूजा मैम यहाँ पर पहुंचती है पंचकुला की स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग के लिए जाते हुए। बीच में हरियाणा के करनाल में कुछ ही देर के लिए रुकते हैं, लेकिन जितने भी महिला कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कमल मान जी सब यहाँ पर अपने वर्कर्स के साथ पहुंचते हैं और उनका हर्षोल्लास के साथ बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।